एक कहानी है कैट नाम की एक लड़की की, जिसके मॉम डैड की शहर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री में शहर के बहुत से लोग काम किया करते थे। लेकिन कुछ बुरे लोग उस फैक्ट्री को तोड़कर उसके ऊपर एक क्लब बनाना चाहते थे, इसलिए कैट के मॉम डैड ने बुरे लोगों को इनकार कर दिया था अपनी फैक्ट्री देने से। खैर वो लोग घर की तरफ निकलते हैं और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी गाड़ी अब पानी में गिर चुकी थी, से कैट के मॉम डैड मर चुके थे लेकिन कैट बच गई थी। इसीलिए इसे शिफ्ट होता है अंडरवर्ल्ड में, यानी हेल में, जहाँ बहुत से मॉन्स्टर्स और बुरी सोल्स रहा करते हैं, जहाँ पर हम वेंडल और वाइल्ड नाम के दो मॉन्स्टर भाइयों को देखते हैं, जो कि अपने डैड के गंजे सर पर एक जादुई क्रीम से नए बाल उगा रहे थे। अब उनमें से एक भाई यही जादुई क्रीम खाने लगा था। छोटा भाई उसे रोकता है कि प्लीज ये नहीं खाओ, अगर ये क्रीम खत्म हो गई और डैड के बाल पूरे ना हुए तो डैड तुम्हें वैसे ही कच्चा चुबा जाएंगे। वो तो अपने भाई की जुबान को अपने नाक से पकड़कर उसे उल्टी करने के लिए भी कह रहा था, ताकि जो उसने क्रीम खाई थी वो भी सारी बाहर आ जाए, पर बड़ा भाई उसकी कोई बात नहीं मानता। पर अपनी इसी सारी लड़ाई के चक्कर में वो अपने भाई को भी वही क्रीम खिला देता है और इस क्रीम के असर से अब वो लोग अंदरून में चले गए थे, इन्हीं ख्यालों की दुनिया में चले गए, जहाँ उन्हें एक लड़की नजर आई थी जो कि उनके हर सपने को पूरा कर सकती थी, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड की परी थी। इन दोनों भाइयों का सपना था कि वो लोग हेल के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क बनाए जहाँ पर सारी सोल्स मजे करेंगी, पर इतना बड़ा पार्क बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उनको लग रहा था कि उनके ख्याल में जो परी आई है शायद वही उन्हें पैसे दे और इस तरह उनका ख्वाब पूरा हो जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोबारा किट को, जो रास्ते में वो देखती है कि उसके मॉम डैड की फैक्ट्री अब तबाह हो गई थी। इस फैक्ट्री के तबाह होने की वजह से बहुत से लोग तो मारे गए थे इस फैक्ट्री के अंदर ही, और बहुत से लोग ये शहर छोड़कर जा चुके थे। किट अब स्कूल आ चुकी थी, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बहुत ही प्यारी सी ड्राइंग बना रहा है अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। वो लड़का कैट को देखने के लिए बाहर आता है, जहां पर तीन लड़कियां कैट से दोस्ती करना चाह रही थी, लेकिन कैट उनसे दोस्ती नहीं करती। तभी अचानक कैट देखती है कि ऊपर से एक एंट करने की वजह से एक लड़की की जान खतरे में है। होश में आते ही कैट जल्दी से उस लड़की को धक्का देकर दूर गिराती है, जिससे सच में वो लड़की बच गई थी। इस तरह हमें पता चला था कि केट फ्यूचर भी देख सकती है। अब स्कूल के अंदर क्लास शुरू हो चुकी थी। टीचर एक ऑक्टोपस क्लास में लेकर आई थी और उसे दिखाते हुए वो बताती है कि ये ऑक्टोपस सिचुएशन के लिहाज से अपनी हालत भी बदल लेता है। लेकिन अजीब बात यहाँ ये होती है कि ऑक्टोपस जैसे ही कैट को देखता है तो अजीबोगरीब एक मॉन्स्टर की शक्ल ले लेता है। कैट जैसे ही उसके पास जाती है तो वही करीब दराज के अंदर रखी हुई डॉल के अंदर से कुछ जादुई लाइट निकलती है, जिसने कैट के हाथ को जलाकर उसके हाथ पर दांतों का निशान बना दिया था। टीचर जैसे ही ये चीज देखती है तो वो काफी परेशान हो चुकी थी। वो कैट से कहती है कि तुम्हें ये निशान हमेशा छुपाना होगा, इसे किसी को नहीं दिखाना तुम्हें। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है अंडरवर्ल्ड को, जहाँ पर वो दोनों भाई अपने पार्क का डिजाइन बना रहे थे। तभी उनके डैड उनके पास एक पैगाम भेजते हैं कि हमें अंडरवर्ल्ड की परी मिल चुकी है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि कैट ही थी। कैट के हाथ पे जो निशान बना था वो भी इसी चीज को जाहिर करता था कि वो अंडरवर्ल्ड की परी है। वो दोनों भाई तो ये बात जानते ही थे कि उनके सपने सिर्फ परी के अलावा कोई पूरे नहीं कर सकता, इसीलिए अब वो डिसाइड करते हैं कि किसी न किसी तरह वो इंसानों की दुनिया में जाकर अपनी परी से कॉन्टेक्ट करेंगे, उससे पैसे लेंगे पार्क बनाने के लिए। कैट के शहर के अंदर वही बुरे लोग जो कि हमेशा से शहर पर कब्जा करना चाहते थे और कैट की मॉम डैड की फैक्ट्री को तोड़कर वहाँ क्लब बनाना चाहते थे, उन्हीं लोगों को हम फादर से मिलते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि किट की मॉम डैड की फैक्ट्री भी इन्होंने ही तबाह की थी एक प्लान के तहत, और अब वो शहर पर कब्जा करने के लिए यहाँ का मेयर बनना चाहती थी, लेकिन कोई भी उन्हें वोट देने के लिए तैयार ही नहीं था। इस गुस्से में वो दोनों फादर को ही मारकर पानी में गिरा देते हैं। कैट जो कि इस वक्त सो रही थी, जहाँ उसे अपने पास्ट का ख्वाब आ रहा था कि किस तरह उसके मॉम डैड पानी में डूबकर मर गए थे। इस ख्वाब के अंदर वो खुद भी मरने ही वाली थी कि अचानक कोई उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल देता है। असल में दोनों मॉन्स्टर भाई अंडरवर्ल्ड से कैट के ख्वाब में आकर उससे बात करना चाहते थे, उसे बताना चाहते थे कि तुम हमारी परी हो और अगर तो हमारी मदद करोगी तो इसके बदले में हम तुम्हारे मॉम डैड को जिंदा कर देंगे। इस सब काम के लिए किट को एक जादुई डॉल की जरूरत थी और एक साथी की, जिसे लेकर उसे अपने मॉम डैड की ग्रेव तक आना था, क्योंकि उसके मॉम डैड की ग्रेव के जरिए ही वो दोनों मॉन्स्टर भाई उससे मिलने के लिए आते। किट अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर देती है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों भाई भी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो अपने डैड के सर पर जल्दी जल्दी बाल लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान उनके मशीन के नीचे एक कीड़ा आकर मर जाता है, और जैसे ही वो जादुई क्रीम उस कीड़े पर गिरती है तो वो फौरन जिंदा हो जाता है। अब इस क्रीम के जरिए उन्हें इंसानों को जिंदा करने का रास्ता मिल चुका था। वो दोनों भाई अपने डैड को चकमा देने के लिए अपने जैसे ही स्टैचू बनाकर अपने बेड्स पर लिटा देते हैं, जबकि यहाँ कैट भी अपने मॉम डैड की ग्रेव तक पहुंच चुकी थी। वो अपनी जादुई कैट के साथ मिलकर कुछ मंत्र पढ़ती है, जिसके पढ़ते ही वहाँ एक बहुत ही खौफनाक किस्म का तूफान आ चुका था। जमीन टूटी थी, जिसके नीचे से अब वो दोनों मॉन्स्टर भाई निकल रहे थे, लेकिन तूफान के साथ होने की वजह से उनका रास्ता बदल जाता है और वो कैट के मॉम डैड की ग्रेव के बजाय किसी और ग्रेव के जरिए जमीन से बाहर निकलते हैं।
कैट जो यहाँ खड़ी उन दोनों भाइयों का इंतजार कर रही थी, उसे लगता है कि वो दोनों भाई उसे झूठ बोल रहे थे। इसी गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जब उन दोनों भाइयों को भी अपनी परी नहीं मिलती तो वो सोचते हैं कि क्यों ना पहले अपनी ड्रीम को टेस्ट ही कर लिया जाए। इसीलिए उन्होंने एक कबर खोदी थी। ये कबर और किसी की नहीं थी बल्कि कैट के स्कूल के फादर की थी, जिन्हें कुछ ही देर पहले बुरे लोगों ने मारा था। फादर को जिंदा करके ये दोनों भाई उससे पैसे मांग रहे थे। तब फादर उनको जवाब देते हैं कि ना तो मेरे पास पैसे हैं और अगर तुम इस कब्रिस्तान के हर आदमी को भी जिंदा कर दो तो किसी के पास भी पैसे नहीं निकलेंगे। ये शहर अब बहुत गरीब हो चुका है। ये सुनकर उन दोनों को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसे जैसे उनकी सारी मेहनत पानी में जा रही है और पैसे न मिलने की वजह से जैसे उनका सपना पूरा ही नहीं होगा। वो इस गुस्से में फादर को दोबारा से मारने ही वाले थे कि तभी फादर उन्हें कहते हैं कि रुक रुको, मैं तुम्हें कुछ ऐसे लोगों के पास लेकर जाऊंगा जिनके पास पैसे भी हैं और जो अपने काम निकलवाने के बाद तुम्हें बहुत से पैसे भी दे सकते हैं। फादर उन्हें और कहीं नहीं बल्कि उन्हीं बुरे लोगों के पास लेकर आया था जिन्होंने फादर को मारा था। फादर बुरे लोगों से कह रहे थे कि तुम लोग मेयर के इलेक्शन जीतना चाहते हो ना और इसके लिए तुम्हें वोट चाहिए, तो तुम इन दोनों मॉन्स्टर भाइयों का इस्तेमाल करके मरे हुए लोगों को जिंदा करके वोट ले सकते हो और ऐसे जीत कर मेयर बन सकते हो। उस बुरे आदमी की तो उसी का ठिकाना ही नहीं रहा था। वो फादर को अपना काम खत्म होने के बाद बहुत से पैसे देने का वादा कर लेता है, लेकिन शर्त ये थी कि अब ये दोनों मॉन्स्टर भाई उनके कहने के अलावा किसी और इंसान को जिंदा नहीं करेंगे। फिर अब डील के मुताबिक इन दोनों भाइयों को किट के मॉम और डैड को जिंदा करने की परमिशन नहीं थी। कैट जो कि अब जा चुकी थी कि फादर जिंदा हो चुके हैं और ये जिंदा करने वाले वो दोनों मॉन्स्टर भाई ही है जो उसके ख्वाब में आए थे, तो वो भी उन्हें ढूंढते ढूंढते उन तक पहुंच जाती है जो कि बुरे लोगों के लिए काम कर रहे थे और उनके कई हुए लोगों को जिंदा कर रहे थे। कैट को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों को कान से पकड़ के कहती है कि तुम दोनों पहले मेरे मॉम और डैड को जिंदा करो। अब ये काम तो वो दोनों कर नहीं सकते थे, इसीलिए वो कैट को अपनी बातों में लगाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ वफादारी की कसम खाओगी तभी हम तुम्हारे मॉम डैड को जिंदा करेंगे। कैट बगैर सोचे समझे उनकी सारी बातें मांग लेती है। हालांकि कैट का दोस्त उसे ऐसा करने से मना भी कर रहा था। उसके कसम खाते ही उसके हाथ का निशान भी ग्रीन हो चुका था। उसका मतलब था कि वो अब अंडरग्राउंड की परी बन चुकी है। एक और करेक्टर भी दिखाया जाता है जिसके साथ कैट की वो टीचर खड़ी हुई है जिसने कैट को वो जादुई निशान सबसे छुपाने को कहा था। ये आदमी असल में दुनिया में आने वाले सारे मॉन्स्टर्स को कैद करता था और सारी बुराइयों को रोकता था। यहाँ अब क्योंकि कैट ने कसम खा ली थी कि वो मॉन्स्टर्स की हर बात मानेगी, तो मॉन्स्टर उसे खाना लाने का कहकर खुद अपना काम शुरू कर देती है, यानी अब वो लोग इंसानों को जिंदा कर रहे थे। अपना काम खत्म करने के बाद वो दोनों भाई बची हुई क्रीम खाने लगते हैं। ये देखकर कैट के दोस्त को गुस्सा आता है और वो कहता है रुक जाओ, इस क्रीम को छोड़ दो वरना कैट की मॉम डैड को जिंदा करने के लिए कहाँ से क्रीम लाओगे। जब वो दोनों भाई उसकी बात नहीं सुनते तो वो अपने आप को छुड़वा कर उनके हाथ से क्रीम खींच कर कैट के मॉम डैड को जिंदा करके सारी कहानी बताता है और कैट को ढूंढने के लिए शहर भेज देता है। जबकि यही से अब हम अंडरवर्ल्ड में देख रहे थे इन दोनों मॉन्स्टर भाइयों के डैड को। वो देखता है कि उसके बेटों ने काफी सारे उसके बाल लगा ही नहीं है। उससे में वो जब दोनों बेटों को अपने नाक के जरिए बाहर निकालता है तो देखता है कि उसके बेटे तो वहाँ से गायब हैं बल्कि उनकी जगह स्टैचू लेटे हुए हैं। कैट के शहर में कैट भी जान चुकी थी कि उसके मॉम डैड अब जिंदा हो गए हैं। वो दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और जब दोनों से गले मिल रही थी तो उसके हाथ पे अजीब सा निशान उसके मॉम डैड देखते हैं और उनके पूछने पर कैट बताती है कि मैंने आप दोनों को जिंदा करने के लिए दो डीमंस भाइयों से डील की थी कि वो आप दोनों को जिंदा करेंगे और मैं उनकी हर बात मानूंगी। जिस पर उसकी मॉम डैड उसे सच्चाई बताती है कि हमें डीमंस ने नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त ने जिंदा किया है। ये बात सुनते ही कैट को एहसास होता है कि उन दोनों मॉन्स्टर भाइयों ने उसे धोखा दे दिया है। वो अपना बदला लेने के लिए अब उन्हें ढूंढना चाहती थी, लेकिन कब्रिस्तान में जाकर वो देखती है कि वो दोनों मॉन्स्टर भाई उसके दोस्त को भी कैद कर चुके हैं। वो जैसे तैसे अपने दोस्त को बचाकर वहां से भागी रही होती है कि रास्ते में उसे उसकी टीचर मिल जाती है जो उसका हाथ पकड़कर उसे पूछती है क्या तुमने जादुई डॉल चुराई है, क्या तुमने मॉन्स्टर्स को इस दुनिया में बुलाया है। कैट के सब कुछ सच बताने पर टीचर काफी परेशान हो चुकी थी क्योंकि कैट ने इस दुनिया में तबाही मचाने का एक दरवाजा खोल दिया था। सिर्फ यही नहीं, कैट की अब अपनी भी जान खतरे में थी, उसके पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था। यहाँ मेयर के इलेक्शन में उन सारे मुर्दों के जिंदा होने की वजह से अब बुरे लोग भी इलेक्शन जीत चुके थे और वादे के मुताबिक उन्होंने फादर को बहुत से पैसे भी दे दिए थे मॉन्स्टर्स को देने के लिए। मेयर बनने के बाद उनका कोई एक इरादा भी अच्छा नहीं था, वो अपने सारे के सारे बुरे इरादे अपनी बेटी को बता रहे थे, पर वो लोग ये बात भूल चुके थे कि उनकी बेटी कैट की क्लास फेलो थी। अब वो दोनों मॉन्स्टर भाई जिनको पता चलता है कि कैट के मॉम डैड जिंदा हो गए हैं, वो जल्दी से उसे पकड़कर वापस मारने की कोशिश में थे। कैट का दोस्त भागते हुए कैट उसकी टीचर और उनके साथी के पास आया था। वो उनको बताता है उन दोनों छोटे मॉन्स्टर्स ने तुम्हारे मॉम डैड को भी पकड़ लिया है उनको मारने के लिए। वो अब जल्दी से अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए आगे जाती है और उन दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो गई थी।
इतने में ही वहाँ पर गेट की क्लास फेलो जो कि बुरे लोगों की बेटी थी वो आकर इस लड़ाई को रुकवाते हुए बोलती है कि रुको रुको मेरी बात सुनो, मेरे मॉम डैड ने जो तुम लोग को पैसे दिए हैं वो सब के सब नकली है। यही नहीं बल्कि मेरे मॉम डैड तो ना ही इन मॉन्स्टर्स का पार्क बनवाना चाहते हैं और ना ही कोई स्कूल यहाँ पर बनाना चाहते हैं, और अगर कुछ ना किया गया तो कल तक ये शहर पूरी तरह तबाह हो जाएगा। उनकी इन्हीं बातों के दौरान जमीन पर एक बहुत बड़े तूफान के साथ दोनों मॉन्स्टर भाइयों का डैड यानी अंडरवर्ल्ड का बादशाह भी बाहर निकल आया था, जिसने आते ही उन दोनों मॉन्स्टर्स इन्हें अपने बेटों के साथ साथ बहुत से और लोगों को भी अपने हाथ में उठा लिया था। यहाँ वो आदमी जो कि हमेशा से दुनिया में आने वाले हर मॉन्स्टर को कैद किया करता था, वो इस बड़े मॉन्स्टर को भी कैद करने की कोशिश में था, लेकिन शायद इतनी ताकत नहीं थी उसमें कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर को कैद करता। सबसे पहले तो वो अपने दोनों बच्चों पर गुस्सा हो रहा था कि उसके बालों की सारी क्रीम खत्म हो गई है। इस गुस्से में इससे पहले कि वो अपने दोनों बच्चों को खा लेता, मॉन्स्टर को वो बड़ी सी पेंटिंग दिखती है। पेंटिंग में दिखाया जा रहा था कि किस तरह एक फादर अपने बेटों को बचाने के लिए लड़ रहा था। ये देखते ही मॉन्स्टर को भी समझ आ जाता है कि उसे अपने बेटों को खाना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें बचाना चाहिए। एक और बात अजीब थी, मॉन्स्टर इस जगह पर रोने भी लगा था। वो सबको बताता है कि पहले भी मेरे बहुत से बेटे अंडरवर्ल्ड से भाग आए थे, वो कभी मेरे पास वापस नहीं आए। उसकी बात सुनते ही मॉन्स्टर को कैद करने वाला आदमी उस मॉन्स्टर को उसके बेटे दिखाता है और कहता है कि अगर तुम हमारे सारे साथियों को छोड़ दो तो मैं तुम्हारे सारे बेटे तुम्हें वापस कर दूंगा। इसके मुताबिक मॉन्स्टर को उसके बेटे मिल जाते हैं और सारे इंसानों को मॉन्स्टर आजाद कर देता है। लेकिन इतने में ही वो फादर जो कि मॉन्स्टर्स की क्रीम की वजह से दोबारा जिंदा हुए थे वो मर चुके थे। बड़ा मॉन्स्टर बताता है कि ये मेरी क्रीम कुछ ही वक्त के लिए काम करती है, यदि अब कैट के मॉम डैड भी मर जाते तो अपनी बेटी से कहते हैं कि अभी भी वक्त है, हमें मरने से पहले इस शहर को बचाना होगा, जिसके लिए सबसे पहले उन्हें मेयर को रोकना था। सभी लोग मिलकर मेयर को रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। मेयर को रोकने वाले लोगों में उनकी अपनी बेटी भी शामिल थी। मेयर को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो इन सारे लोगों को मारने का हुक्म दे देता है। इससे पहले कि सभी लोग मर जाते, जहाँ पर अंडरवर्ल्ड से वो बड़ा मॉन्स्टर्स अपने कुछ छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को कैट के लोगों की मदद के लिए भेजता है, जिन्होंने कुछ ही देर में कैट के तबाह हुए शहर को वापस से ठीक कर दिया था, जबकि मेयर को पुलिस वाले पकड़ कर ले जा चुके थे। एंड पे दिखाया जाता है कि कैट अपने मॉम डैड को अपनी फ्यूचर देखने वाली पावर की मदद से दिखाती है कि आगे आने वाले दिनों में उनका शहर कितना खूबसूरत हो जाएगा। ये देखते ही उसके मॉम डैड सुकून से मर जाते हैं। कैट को बहुत दुख होता है, तो तभी वो दोनों मॉन्स्टर भाई जो कि कैट के मॉम डैड के सोल को यहाँ से लेने आए थे, वो कैट को अपने पार्क का डिजाइन दिखाकर कहते हैं कि जब हम महल के अंदर इस पार्क को बना लेंगे तो हमेशा तुम्हारे मॉम डैड के यहाँ फ्री में आ सकेंगे। कैट फिर भी दुखी थी, लेकिन इस सब के साथ यहाँ कहानी ये खत्म हो जाती है।